कंगना, एक बार फिर आपने बेहतरीन अदाकारी दिखाई है फिल्म में. एज योर फिल्म्स टैगलाइन सेज हैशटैग ट्रस्ट नो वन, आपका ट्रस्ट किसने तोड़ा है और अब अपने ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए आप क्या करती हैं? दूसरा एक और सवाल, सुपर 30 भी जल्द रिलीज होने वाली है, उसके साथ आप सवाल में ही जवाब क्लैश से कैसे इस फिल्म को बचाएंगे? नो, वी आर नॉट क्लैशिंग विद डेट. अलग है भाई, डेट टोटली अलग है. थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो चेंज हो गया. यू आर एक्सपेक्टिंग अ 2 week, ओके, 2 week रन बेसिकली. इफ इट डज वेल फॉर 2 weeks, देन व्हेन दे मीट यू ऑन द 26th क्लैश, या देन वी विल सी व्हाट हैपेंस. About trust, yes, as a young woman or as a young man, you would go through a lot of experiences at from the age of 16. जैसे आप अपने मम्मी पापा के घर से निकलते हैं, you feel कि ये तो बिल्कुल ही एकदम is unsettling. So you go through various experiences, and to keep the ability to continue to trust people is very healthy, and you will be finished without that ability. If you don't trust people, you don't have faith in life, if you live in constant insecurity of being betrayed or cheated or something going wrong, you're already finished. So to how to keep the ability to trust, to have faith, to be honest, and to be able to every day revive yourself is very important. I do a lot to keep that ability on a very high scale, not a mediocre scale. As a kid, if I left my home without even having any security, you can imagine how high that ability of trust I had growing up. And I realized that is the primary reason of my success. I keep that very high, whether I have to meditate or I have to, whatever it takes, I keep that. कह सकते हैं कि कंगना अब इतनी मैच्योर हो गई हैं कि अब उनका ट्रस्ट तोड़ने वाले डरते हैं? ऐसा नहीं है कि डरते हैं, बट आई डेफिनेटली आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन पीपल. आई डोंट गेट माइंड गेटिंग हर्ट, बट आई डू नॉट वांट टू हर्ट एनीवन. इट्स ओके टू गेट हर्ट, बट इन द एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग हर्ट टू हर्ट पीपल इज रॉन्ग. ऐसा नहीं है कि फिल्में मेरे हाथ से चली गई है, क्योंकि आई थिंक अधिकतर लोग जो हैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही, जैसे जब प्रकाश सर मुझे मिले थे, या मैं अश्विनी मैम के साथ अभी काम कर रही हूँ, एंड देन आई हैव साइंड 2 more films, 3 more films. ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं देखा कि ये लोग प्रिजुडिस्ड हों, या आई थिंक दे ऑल्सो कम फ्रॉम स्पेशली समबडी लाइक प्रकाश सर हुज़ फ्रॉम अ फिल्म फैमिली. सो उनको पता चलता है कि हर एक का एक मीडिया क्रिएटेड, या लोगों का जो भी उनको सुविधा रहती है उस तरह की वो इमेज बनाते हैं, चाहे आपके कंपटीशन वाले हों. सो मैंने कभी नहीं देखा कि प्रकाश सर कभी भी प्रिजुडिस्ड हो या थ्रेटन्ड हो, या किसी तरह से उन्होंने मुझे किसी तरह की इवन 1 minute की भी कॉन्वर्सेशन हुई हो कि हम लाइक इस बारे में बात कर ले. सारा प्रोसेस इतना नॉर्मल था जितना कि मेरी पहली फिल्म का होगा, अ फिल्म लाइक गैंगस्टर जब मैंने की थी. एंड ऑल्सो जो भी मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं लोगों के साथ में, मुझे जो सेक्सिस्ट लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा रूढ़ीवादी होते हैं, उन लोगों से मुझे ज़्यादा पर्सनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं. बट आई डू नॉट थिंक के जितना मैंने स्ट्रगल किया है, आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू जस्ट गो थ्रू अ फिल्म विदाउट कॉजिंग फ्रिक्शन. आई डू, बट जब लोग कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग होते हैं तो आई मेक श्योर आई point that out. But with Prakash sir, he is a delight to work with, and the best thing about him is that he's a young mind, he's a fresh perspective, and he's somebody who's very urban in his approach to cinema. And like he said, so many people have contributed to this film, not just me, on the set also, because he's just so unassuming and so open to all interactions. All right, we'll wrap. क्योंकि आपके बारे में कहा गया है अरे कंगना वो पगली है, ऐसी है, कई आपके जवाब या जो भी विवादित बयान रहे हैं उसको लेकर, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हैं कि थोड़ा सा पहले लगा यार ये फिल्म मुझे ऑफर की जा रही है ऐसे? नहीं, आई थिंक मेरी ज़िंदगी में एक काफ़ी एक फेज़ आया था जिसमें
मुझे ये कह कह के काफ़ी शेम करने की ओपनली कोशिश की गई थी कि ये एक्चुअली में इसको दिमागी प्रॉब्लम है, ये मेडिकेशन पे है तभी ऐसे क्लेम कर रही है. एंड उसका मैंने एक जवाब भी दिया था कि यू नो सो व्हाट, जबकि मैं किसी मेडिकेशन पे नहीं हूँ, अगर मैं होती भी तो मुझे लगता नहीं मुझे शर्मिंदगी होती इस बात की. लेकिन फिर जब मुझे कनिका जी ने ये रोल सुनाया तो ये बात ज़रूर है कि इसके करके जो सहानुभूति है वो बहुत ज़्यादा हो गई मेरी तरफ से, कि मुझे ऐसा लगा कि ये रोल को मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे मेरी ही कहानी है. क्योंकि अगर वो फेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता 2016-17 का था जो, उससे पहले अगर मैंने आपकी कहानी सुनी थी तो मुझे नहीं लगता ये भी एक इशू है कि यू नो लाइक एक लड़की को सब पगली पगली बुलाते रहते हैं और उसकी और यू नो वो भी थोड़ा सा ऑफ है, थोड़ा ऑफ बीट है. तो ये जो मेरी ज़िंदगी में जो फेज़ आया उसके करके मैंने बहुत रिलेट किया इस फिल्म से. आई थिंक सो मुझे एक्चुअली में इतना कॉम्प्लीमेंट लगता है और ना किसी तरह का ह्यूमिलिएशन लगती है. आई एम ओके अगर मेरे बारे में लोग या अगर मुझे लोग झांसी की रानी सोचते हैं, मेंटल सोचते हैं, वो लम्हे सोचते हैं, या गैंगस्टर की मोल समझते हैं, या तन्नू समझते हैं, दत्तो समझते हैं, सो फॉर मी इट इज़ नीदर अ कॉम्प्लीमेंट नोर अ ह्यूमिलिएशन. आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि कहानी का टाइटल बाद में आया, कहानी पहले आई और वो कहानी बहुत कम एक्टर्स पुल ऑफ कर पाते. सो आई मीन दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट या आई थिंक आई डोंट थिंक कनिका एवर थॉट ऑफ हर कैरेक्टर एज अ मेंटल. शी द व्हेन शी ऑफर्ड द फिल्म टू मी द फिल्म वाज कॉल्ड बॉबी. सो आई डोंट थिंक इन हर माइंड शी हैज एवर बीन हार्श टू हर कैरेक्टर. सो इट वाज एक्चुअली अ वेरी प्लेजेंट टेक ऑन समबडी हु इज सो प्रेजुडिस्ड इन द सोसाइटी. वन सेकंड वी विल जस्ट When we said raw and uncensored, we really meant it. This is going to be one of those really raw and uncensored. यार पीछे दे देते हैं, बहुत सारे सवाल करेंगे, है ना? गंगा, मेरा सवाल आपसे है. कोलमैन ने अपनी जो बुक है कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, उसमें लिखा है कि मेंटल इलनेस कोई खराब चीज नहीं है, छुपाने की चीज नहीं है. यही बात दीपिका पादुकोण ने मंच पे आकर कहा कि जब वो स्ट्रेस में थी और उन्होंने कहा कि ये चीज़ इसमें अवेयरनेस आनी चाहिए, लोग जो साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास जाने से घबराते. आप इसे किस मायने में लेती हैं और ये फिल्म उन लोगों के लिए कितनी महती होगी? देखिए ये फिल्म जो है ये डेफिनेटली इट इज़ अगर आप सोचें कि मेंटल इलनेस के अराउंड ही स्ट्रक्चर है या इसके अंत में एक आके आपको एक सल्यूशन मिलता है, एक सुझाव मिलता है, ये वैसी फिल्म नहीं है बिल्कुल भी. ये एक फिल्म है जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट, जैसे हम मुझे ये जो रेवोल्यूशनरी इस लेवल पे लगा कि हमने हमेशा देखा एक मेन स्ट्रीम हीरोइन जो होती है वो चर्पी बहुत ज़्यादा होती है, खुश बहुत होती है हमेशा, उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ उसकी, वो कॉलेज में भी मोस्ट पॉपुलर होती है, फिर जब उसकी शादी होनी होती है तब उसको सारे लड़के उसी से शादी करना चाहते हैं, फिर उसके बाद जब वो जॉब में जाती है फिर बॉस को उसी से प्यार होता है. सो ऐसे तो हमने देखा है आज तक, पर हमने ऐसे नहीं देखी कोई जो लड़की है जिससे जिसको अपने भी इश्यूज़ हैं, उसके कंडीशंस हैं, उसको जो मेडिकेशन पे है वो कंडीशन है. बट तो इस तरह की जो एक कैरेक्टर है, मेन स्ट्रीम हीरोइन है जो कि एक मेंटल इलनेस से डील कर रही है और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है, और ये उसकी कोई सॉब स्टोरी नहीं है, वो खुद को कत्ल नहीं कर देती है लास्ट में. अक्सर इन कैरेक्टर्स को देखा जाता है कि वो खुद को मार डालते हैं तो आसपास के लोगों को मार डालते हैं. सो एक तरह से डार्क स्टोरीज़ में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो आई लाइक जो कैसे कनिका के कैरेक्टर जो है कैजुअली वेयर्स इट ऑन देयर स्लीव, जैसे ये बॉबी भी है खुद का भी मजाक उड़ाती है और उसकी सिचुएशन का भी मजाक उड़ाती है. सो अब है जो है वो है. सो जो मेन स्ट्रीम हीरोइन का, जैसे हमने तन्नू के साथ में भी एक लड़की जो लड़के घुमाना जानती है, तो एक जो एक रेवोल्यूशन आया था और वो डेफिनेटली वैम्प नहीं है. सो वो एक तन्नू से पहली बार आया था. हिंदी फिल्म की हीरोइन जो है वो लड़के घुमा रही है और अच्छे से घुमा रही है, एंड शी इज़ नॉट अ वैम्प. सो उस तरह से एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस है जो कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, बट वो यू नो शी इज़ नॉट हैंगिंग हर सेल्फ एंड शी इज़ नॉट सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड सॉबिंग अबाउट इट. शी इज़ डूइंग हर बिजनेस, शी इज़ डूइंग अ जॉब, शी इज़ ट्राइंग टू सी द सिल्वर लाइनिंग. ये सबसे बेहतरीन बात है. Hi Kangana. Oh, you are right. Sohail here. Yeah, aage. Hi. Congratulations to you and the entire team. हम टाइटल की बात करते हैं. पहले मेंटल है क्या था, अभी जज मेंटल हो गया. यू आर अ फाइटर, बट देन यू रियली एक्सेप्टेड दिस टाइटल वेरी इजीली.
आर यू रियली वेरी सेटिस्फाइड विद दिस थिंग एक्चुअली, क्योंकि हमने तो फिल्में बहुत सी देखी जिसके टाइटल बहुत ही मतलब खराब होते मेंटल है क्या, वाज नथिंग लाइक वेरी ऑफेंसिव साइड ऑफ थिंग सर. अभी जब जब कोई भी चीज कंगना रनौत की होती है ना तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है तो मुझे पता है हमको जो है हम जो आउटसाइडर्स होते हैं हम अगर चलते भी हैं सांस भी लेते हैं ना तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो वो उस सब को ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है. उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं. तो आई थिंक हम लोगों को कई तरीके के थ्रेट्स से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पे कर दिए थे और ऐसा कहा जा रहा है जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल जो किक फिल्म है सलमान जी की उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है. पर हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है वर्ड मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है और हमको पेशी के बाद पेशी जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया पर जो साइकाइट्री एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में ही कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है. सो फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट मच चॉइस बट वी ट्रूली बिलीव कि जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारी सिंसियरिटी है और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है वो भी उन्हीं ने वहाँ पे उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफ़ी हैवी दिल से कहा फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर तो इतने जितने भारी दिल से उन्होंने कहा वो देख के हमें भी थोड़ा सा वो हो गया. सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आर इंटेंशंस एंड जिस इशू को लेके जिन लोगों को लेके बनाई गई है तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. आपके जवाब से पता चला कि लाइफ में थोड़ा यू हैव स्टार्टेड यू नो थोड़ा कूल डाउन होना भी ज़रूरी है. आई मीन टू से हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे आपने टाइटल को लेकर थोड़ा आपने सोचा कि चलो रास्ता बना लो तो हैव यू थोड़ा आपका जो थॉट प्रोसेस. हाँ मेरी मम्मी को एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 30 के बाद ही थोड़ा काम डाउन होती जाएगी फिर हेलो 30 मेरा हो गया है अब धीरे 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 इसकी अंदर की आग बुझती जाएगी तो वो हो रहा है. आई कैन सी. हेलो कंगना जी मेरा सवाल आपसे है कि लाइक ये जो पिक्चर का ट्रेलर देखा उसमें पुलिस वाले बोलते हैं कि ये दोनों बोलते हैं ना पागल बन के हमको पागल बना रहे तो ये बोल सकते हैं कि आप दोनों सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और येड़ा बन के पेड़ा खा रहे ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी तो मतलब जजमेंट मेरा सही नहीं कर रहा है जजमेंटल वाला. क्या बता देखें किसका जजमेंट सही है. और असल जिंदगी में भी बोले आपने बताया कि 16-17 में लोग आपको पगली कहते थे लेकिन आपने उसमें भी सबका बैंड बजाया हुआ है तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप. आई थिंक मुझे जितना लोगों से प्यार मिलता है जितनी सराहना मिलती है जितना एक्सेप्टेंस मिलती है इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने ऑनेस्टली जितना मुझे लोगों से प्यार मिलता है इट एम्पावर्स मी. अगर मुझे लोग प्यार ना करें मेरी काम को ना सराहें मेरी फिल्मों को ना सराहें देन प्रॉब्ली आई डोंट स्टैंड एनी वे मगर बट आई थिंक आई एम एम्पावर्ड बाय सो मेनी पीपल हु लव मी ऑन मेनी लेवल्स. आई फील सम पीपल हु हैवंट इवन सीन माई फिल्म्स दे लव माई पर्सनैलिटी एंड सम देर आर फैंस हु लव माई एक्टिंग आर नॉट ओके विद माई पर्सनैलिटी सो देर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ पीपल एंड हाउ दे अप्रिशिएट मी. आई एम रियली हम्बल्ड. कंगना जी आपके सामने हाय आपके ठीक सामने हाय हाय कंगना जी यू नो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि कंगना जी ने हमारी लाइफ की डाली काट कर रख दी है हमारी ज़िंदगी परेशान करके रख दी है तो ऐसे लोगों को कंगना मानती हैं कि वो मेंटल हैं या जजमेंटल हैं. वो वैसे लोग हैं वो जो मैम कह रहे थे ना एड़ा बन के पेड़ा खाने के चक्कर में है वो वैसे लोग हैं. सो आई थिंक कुछ लोग जो हैं जिनको आई थिंक कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली हेड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और खुद भी मेंटल बन के रहते हैं दूसरों को भी मेंटल. सो वो सब एक अलग पूरा ज्योमेट्री है वो इंडस्ट्री का वो. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बट डेफिनेटली जजमेंटल तो वो नहीं है. आई थिंक समवेयर दे रिकॉग्नाइज माई स्पार्क एंड समवेयर दे नो. कोई मेरे दोस्त ही थे जो मुझे कह रहे थे
यार तुमको कितने लोग परेशान करते हैं. सो आई वॉज टेलिंग देम कि अगर ये लोगों ने इतनों को टॉर्चर, अगर मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, अगर कोई स्टैंडिंग नहीं होती, तो क्या ये लोग मेरा फ़ोन भी उठाते थे परेशान करने की? तो सोचो, अगर मैं खुद सामने से जाके बात करती, मुझसे बात नहीं करते, अब सारा दिन मेरे काम में लगे रहते हैं. नेचुरली इज बिकॉज आई हैव अ स्टैंडिंग, सो आई डोंट माइंड इट. आपने बताया कि अब आप 30 की हो गई, अब शायद आप शांत हो जाएंगी, तो 30 क्रॉस करते करते कोई और भी ऐसी पर्सनालिटी है जिसे आप एक्सपोज करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को एक्सपोज करती हूँ. आई थिंक वो थोड़ा ऐसा हंसी मजाक में भी लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं. सो आई वॉन्ट टू, आई कीप इट वेरी लाइट. चाहे मैं देश के बारे में बात करूँ, मैं सारी कॉमन सेंस की बात करती हूँ, वो खुद ही एक्सपोज होते रहते हैं. सो आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग फॉर मी टू डू. मैं जैसे कहती हूँ अपने दुश्मनों के बारे में कि मतलब उनको मेरी क्या ज़रूरत है, वो खुद ही अपने खुद के काम में लगे पड़े हैं इतनी बुरी तरह से खुद को एक्सपोज करने में. सो आई डोंट थिंक दे नीड मी. डायरेक्टर जी, आपसे एक सवाल है. डायरेक्टर जी, प्रकाश जी, तेरे तीसरा सवाल चल रहा है यार, रुक जा. You know, unfortunately, I couldn't join you guys in Mumbai because of the heavy rains. So I decided to launch the trailer here in Delhi and let the madness take over in two cities. So वक्त आ गया कि हम अपनी audience को अपना trailer दिखाएं and let you guys decide who do you want to believe, Kangna or me. But guys, trust no one. Hope you enjoy. Okay, so really, judgmental है क्या? Let's have a look. Can I just say, y'all have hit it out of the park. Fantastic. Congratulations. We get to see this so much. You know, I love to see like the enthusiasm. These people probably do this 3 times a day, you know, so the enthusiasm is a little muted, but here it wasn't. So congratulations, sir. I have to ask you, Kanika, first, how did you think of this? What were you doing thinking of this kind of a crazy, it's fantastic. And that's the best part of it. And you managed to still make a whole film out of it, writing wise. Can you just tell me, before I ask the obvious candidates, how did you think of this? You know, I just got bored being very sane, so I thought I'll write an insane story. So that's how it came about. Short and sweet. That's it? Wow, that was really short. All right, so congratulations, Director Saab. Bollywood mein entry ke liye, congratulations. A lot of directors from the South are now coming across, making big names for themselves. I can finally think that India has now become a unified film industry, at least on the face of it. Whether it actually has, we'll find out in a bit. But now that you see the creation up in front of you, what do you feel like? Are you happy? I'm very happy with what we've done and the journey so far. Very excited to show the film to the audience. Well, half the audience already seen it. But yeah, they've seen the trailer at least. And there's a gentleman right there, Shailesh Singh, who along with, we got a missing, spot in between because that lady is in Switzerland, Ekta Kapoor. We have to give a round of applause for her as well, who put this all together. And, when I saw her tweet about the trailer last night, she said, love it, fantastic, I'm going to see it tomorrow. I was very excited. That is, we're definitely going to see it tomorrow. So, Shailesh, you had a brilliant time. I mean, you had Jabariya Jori up and now you got this as well. How can you stay so calm all the time? There's a lot of money at stake here, you know? You don't feel like ever stressed. When you have so much on stake, you need to be calm. This is your new mantra. This is like, you're a yoga person. Are you a yoga person at all? Not at all. Not at all. Tennis person. You're a tennis person. But now we have to come to you. This is fantastic. You know, you every time do different stuff and you'll bring it out there. You've got the producers that are backing you up on this. You've got the director with you. But I have to say, you know, the gumption that you have and, you know, you're able to just make your own path and you don't worry about anything. And that's why, you know, you become a force on your own only. This is so fantastic to see. No, Salish, for this, I would like to give all the credit to Salish Ji. Because for 2 years, he was telling me, there is a script for you and this writer has written you in mind. So would you please, but I was not very keen on thrillers. And he would tell me, give it a chance and all of that. And I'm like, I don't want. Yeah, so. I asked her to read one of the script to just see how she writes. So I gave the script to read her. That's how I managed to get her to read the script. And when I heard it, I was completely blown away because it is so much more than just a thriller. Thriller is probably just one layer of it. But this film has so much to offer. And when I read it, and I felt so stupid that I had such a prejudice
for a thriller. I always felt that thriller is a technician's medium. It's a director's medium, and actors have not, because you have to be very ambiguous in a thriller, you know. Actors have really no arc, because you've got to be playing very in a very sort of middle ground. That's why I wasn't very keen. I was so wrong, and I'm just so happy that I finally did it. And Kanika, it's an honor that she's written a role thinking of me in mind. I mean, I don't know if it is actually an honor or something too. It's working for us. We're very happy. Yeah, but like mental hai uske baare mein, you know, judgmental hoke ek film likhte hai. No, it was such a beautiful, happy moment for us when, you know, Kangana, you know, usually actors take time to make up their mind and all that, but Kangana was so instinctive and so sure, and I think in the first half itself, you know, yeah, we knew that, you know, she's doing it. She didn't like take even a moment. So, you know, she knows what she wants. And yeah, we've so seen glad. A lot of that. Which you were, you know, a producer also of. I was in love with Simran as well. I found that fantastic as well. I haven't seen you put a foot wrong in a long time. And, you know, I think this is kudos to you. I mean, yeah, Mr. Raju Hirani also told me the other day that he really loved the film. And he was also surprised that it didn't do well. He saw it in an aircraft. So I don't think it was a film which was, obviously it was not supposed to do 100 crore, but it is definitely not a bad film. You become a victim of your own numbers with that, the Tanu Veds Mannu numbers and all. You become a victim of that, I think. That's a good thing. All right, so like I said, lots of lady power on stage. I'm going to open out to the audience. Please go ahead. Anybody wanted to ask? Oh, right here. Okay. Aap is film ke director hai. आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये फिल्म आपने प्रॉपर तरीके से आपने डायरेक्ट किया है, कंगना जी ने भी थोड़ी बहुत डायरेक्ट किया? फर्स्ट आई लाइक टू थैंक दिस टीम दैट आई हैड टू मेक सच अ वंडरफुल फिल्म. सो टू आंसर कंटिन्यू द क्वेश्चन दैट ही सेड, फॉर मी द एंट्री इनटू बॉलीवुड हैज बीन फैंटास्टिक विद द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम माय प्रोड्यूसर्स, माय राइटर्स, माय टेक्निकल टीम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय कास्ट. So in which both Kangana and Rajkumar have been fantastic. Specific to your question, I thoroughly enjoyed directing Kangana. I come from theatre and I like my actors to ask me questions. I like us to have creative discussions, and I like us to arrive on something that we together collaboratively work on, because I believe filmmaking is a collaborative process. जब आप एक्शन कहने वाले थे और मैंने सीखे एक्शन, तब आपने क्या किया, तब आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशन को? सो फॉर मी आई थरोली एंजॉयड वर्किंग एंड टेकिंग हर इनपुट्स, गिविंग माय इनपुट्स, एंड वी टुगेदर मेड दिस अ बेटर फिल्म, एंड दोज इनपुट्स हैव कम फ्रॉम एवरीबॉडी इन द टीम. एंड या लाइक आई सेड, शी वाज वंडरफुल एंड अ थिंकिंग एक्टर. Yeah, completely so. Because ultimately, telling a story is a personal expression. You know, some people will like your expression, some people may not like your expression. Your job is to be honest to what you do correctly. You know, and I'm confident that with this movie, a large audience will like our expression. Yeah. कितने sound बचे हैं, तो बन गया headline already. हो गया, done. So we'll take a little. Yeah, yeah. Okay, one last, but somebody new. So one second, somebody new. No, yeah. Okay, yeah, this lady here, right, new. Right. Last question, yeah, please. I think that it's very healthy कि अगर writer और director जब किसी चीज़ को दो नज़रियों से देखते हैं और जब फिर एक solution पर arrive करते हैं, तो it's that much more richer and healthier. So I don't think it's a conflict situation at all. In fact, writer और director को creatively differ करना चाहिए. It should not be only one sort of a road that one needs to take. Okay, now we'll wrap here. Thanks, guys. We'll just photo.
I'll just give the Viral, bits across. Sankalp, please come, Suresh. Anybody else want to Please. One sec, one sec.